वासुदेव प्रजापत सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज आज आप लोगों का कक्षा 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश में ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अगले टर्म पर हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए थे, आज हम आपको ट्रांसलेशन बता रहे हैं। पिछले टर्म पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे, आज पास्ट इंडेफिनिट में बता रहे हैं। पहचान क्या होता है, क्रिया के अंत में था थी थे या ही ये आज शब्द आ जाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया गया है, अफिनेटिव का सब्जेक्ट प्लस मेंबर वर्बी सेकेंड पार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डिडनॉट प्लस मेंबर वर्बी फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद निर्भर लगाते हैं और निर्भर लगने के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वर्ब से शुरू होता है तो पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, पहला है शशि सोनपुर गई थी, यहां लिखेंगे शशि वेंट टू सोनपुर। अगर मैं कहती है कह दिया जाए वह आगरा नहीं गई थी, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन शी डिड नॉट गो टू आगरा। तीसरा है क्या आप रामायण पढ़े, तो यहां हो जाएगा डिड यू रीड द रामायण और यहां क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप लोगों को चार पांच सेंटेंस दे देते हैं, इसका आप लोग जो है ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। जैसे पहला है मैं ताजमहल देखा, दूसरा है सविता पत्रिका नहीं पढ़ी, तीसरा है वे कभी लखनऊ नहीं गए, चौथा है क्या वह पतंग उड़ाया, पांचवा है तुम क्यों मेला गए थे। ये पांच सेंटेंस आपको बना लेंगे और बना करके पहले के जैसे साल्व करके भेजेंगे
और पुनः हम उसका निरीक्षण करके आपको उत्तर बता दिया जाएगा। आज के दिन इतना ही, टुमारो अगेन, थैंक्स।